वेलकम टू अली ग्राफिक्स चैनल। और इस वक्त मैं इस इमेज को यूज़ कर रहा था लास्ट अपने ट्यूटोरियल के अंदर, और आई एम रियली वेरी सॉरी कि वो कैप्चर पे नहीं आ सकी स्क्रीन में और इस वक्त आएगी। तो ये इमेज गूगल पे मौजूद है, ये मैंने गूगल से ही डाउनलोड की है, और आप इसको मस्जिद नबवी डोम लिखें तो इस पे आपको ये वाली इमेज मैंने डाउनलोड की है। सो लेट्स गेट बैक टू द ट्यूटोरियल। अब हमें बनाना है यहाँ पर ये छोटा सा फूल, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो सिंगल फन साइड पे अगर आप देखें और रोटेशन पे ये जा रहा है उस तरफ, तो 1 2 3 4 5 मे बी 6, तो 6 एक साइड पर है हाफ में, तो 12 होंगे दूसरी साइड पर। इसको नॉर्मली इस्लामिक आर्किटेक्चर में 4 8 और 12 इस तरह से चलता है। 6 का जो फिगर है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, ठीक है। मैं लेट सपोज के हम इसके कितने इस फूल को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर एक स्टार को बनाएंगे, उसके कितने कॉर्नर्स हैं, लेट्स सी स्टार। एंड इन द टॉप व्यू पोर्ट मैं यहाँ पर एक स्टार क्रिएट करता हूँ लाइक दिस। यहाँ पर आप देखें तो इसके पॉइंट्स हैं 6, लेट्स मेक इट 10 और 8, ठीक है। मैं जस्ट एक रफली आइडिया के लिए इसके अंदर 8 यूज़ कर रहा हूँ। रेडियस 1 इसका करेंगे हम 10 एंड रेडियस 2 अराउंड 7, ठीक है लाइक दिस। तो 7 की वैल्यू के साथ, और अब हम इसको यहाँ पे राउंडनेस देने के लिए इसको करेंगे हम रेडियस इंक्रीज, फिल्टर रेडियस। एक चीज़ को जहन में रखिएगा कि यहाँ पर किसी भी किस्म की ओवरलैपिंग ना हो, लाइक दिस। ये ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हम आगे जो टेक्निक यूज़ करने जा रहे हैं वो है लॉफ्ट। तो लॉफ्ट में इसको बनाने के डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन हम लोग लॉफ्ट यूज़ करेंगे। इसको एक्सट्रूड की मदद से भी बनाया जा सकता है, जैसे हमने एक्सट्रूड यहाँ पर यूज़ किया। तो ये एक रेफरेंस है हमारे पास, ठीक है। और इस जगह पर मुझे ये टॉप बनाने के लिए, ये गोल्ड की बनी हुई है, इसको बनाने के लिए मैंने क्या करना है, लेट्स सी। फ्रंट व्यू पोर्ट में मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और लाइन स्टार्ट करूंगा मैं थोड़ा सा नीचे अंदर से यहाँ तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो टॉप है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी होगी नहीं लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मैं लाइन के सब ऑब्जेक्ट लेवल पे जा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी एक्स एंड वाई पर 0 0 पे होना चाहिए ताकि एग्जैक्ट इसके सेंटर में आए। अब यहां पर हम क्रिएट कम ज्योमेट्री एंड कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स। सो कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में हम करेंगे लॉफ्ट। इसके ऊपर लॉफ्ट अप्लाई होगा। अब इस लाइन के ऊपर इसकी प्रोफाइल इसके ऊपर चढ़ेगी और इसके साथ ही वो एज अ स्किन एक्ट करेगी। किस तरह, लॉफ्ट पे क्लिक करने के बाद हम करेंगे गेट शेप, एंड गेट शेप में मेरा ऑटोमेटिकली मेरा कर्सर चेंज हो गया। गेट शेप किया तो ये देखिए, ये स्किन एज अ, ये आपका वो स्टार की स्टार्टिंग पोजीशन है और ये एंडिंग पोजीशन है, ठीक है। तो ये मैंने अब फर्स्ट तो बना लिया। अब मुझे इसको क्या करना है, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ है स्पेशली बिगनर्स के लिए, तो गौर से इसको देखिएगा लॉफ्ट किस तरह से यूज करते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके मैं जाऊंगा मॉडिफाई में, जहन में रखिएगा, रिमेम्बर। ये देखें दो हिस्से हैं, एक लाइन है और एक ये मेरे पास इसकी लॉफ्ट स्किन है, ठीक है। तो मैं इसको अंडू करता हूं ताकि वापस आ जाए। वंस अगेन अंडू। इसकी स्किन की जो पैरामीटर्स हैं वो डिफॉर्मेशंस में आ पाएंगे। डिफॉर्मेशंस में आएंगे तो स्केल पे ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसमें एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एक इसका एंडिंग पॉइंट है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, आप देखें तो दिस इज द मूव टूल। यहाँ पे भी आप फर्स्ट नोड को राइट क्लिक करेंगे, इट इज कॉर्नर, ठीक है, और आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं। आप मूव करें तो देखें ये वाला हिस्सा मूव करा। सो दिस लाइन इज एक्चुअली एक्टिंग लाइक अ प्रोफाइल ऑफ दिस, ठीक है। अंडू करने के बाद मैं आपको समझाने के लिए एक प्रेजेंट करता हूं। यहां पर फ्रंट व्यू पोर्ट में अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री पे, तो ये जो प्रोफाइल है एग्जैक्टली इस तरह से काम कर रही है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये आपको
इंटरनेट पे कोई भी नहीं बताएगा, ये आपको मैं आज मैं बता रहा हूँ। अक्सर लोग इसको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाते हैं लेकिन जस्ट, और अगेन मैं फ्रंट व्यू पे के लिए एफ पे क्लिक करता हूँ एंड बैक इनटू द एक्चुअल फ्रंट व्यू पोर्ट। सो अब यहाँ पर आप देखें इसके ऊपर कैसे एक्ट करता है। इस जगह पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ हैंड टूल के साथ, राइट क्लिक एंड बिजी कॉर्नर। बिजी कॉर्नर करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कर्व देता हूँ, ये देखिए स्केटिंग कर भी। और इस जगह पर आकर मैं चाहूँ तो एक नोड क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पर, और चाहूँ तो ना क्रिएट करूँ, ठीक है। अभी मैं इसको क्रिएट नहीं करता, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। इसको भी बीजे कॉर्नर किया और मूव टूल के साथ इसको एग्जैक्टली मैं कंस्ट्रेंट करता हूँ 2 एक्सिस पर, और इस तरह से करके, ठीक है। कुछ आपको समझ में तो आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ हो रही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाली शेप बनेगी, ये वाली, ठीक है। इसको बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, वापस जाते हैं और इस जगह पर स्किन पैरामीटर्स में मैं पाथ के स्टेप्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ ताकि ये स्मूथ हो सके, ठीक है। लेट्स मेक इट 15 और पाथ प्लस लॉफ दोनों को मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आ रहा हूँ, राइट हियर, ठीक है। अब इस जगह पर मुझे थोड़ी सी डिफॉर्मेशन भी चाहिए। डिफॉर्मेशन का मतलब है, डिफॉर्मेशन क्या चीज़ होती है, ये यहाँ से आगे जाके सिलेंडर में चेंज हो रहा है, सिलेंडर में चेंज हो रहा है और आगे फिर इसके स्टेप्स बन रहे हैं, ठीक है। ये कैसे होगा, इसको यहाँ से डिफॉर्म करना है, डिफॉर्म मतलब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर मुझे एक सर्कल क्रिएट करना होगा जस्ट इन द मिडल ऑफ दिस, तकरीबन उसका साइज होगा इतना, यानी इसका हाफ। सो हाफ इज 10, देन इट शुड बी, आप जानते हैं, इट शुड बी 5, ठीक है। और यहां पर आने के बाद इस जगह पर मुझे गेट शेप अगेन, किस जगह पर है अभी ये, अभी इसकी प्रोफाइल ये ग्रीन सी एक छोटी सी लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसके पास के पैरामीटर्स में मैं आगे जाता हूं तो एक छोटा सा स्टार इसमें मूव कर रहा है, अगर आप देखें, लेट्स मेक इट आइसोलेट, ठीक है। ये एक छोटा सा क्रॉस बना हुआ है, ये देखें, ये इसके साथ मूव करता है, जिस जगह पर ये जाएगा वहां पे नेक्स्ट डिफॉर्मेशन शेप अप्लाई होगी। तो यहाँ पर आप पहुंचे अप्रॉक्सीमेटली, मैं इसको कोई मैयरमेंट नहीं कर रहा, आपको बाद में कंट्रोल बता दूंगा कैसे करेंगे। गेट शेप एंड देन आई एम गोइंग बैक टू माई सर्कल लाइक दिस, ये देखें। सो यू गॉट इट, अब शेप चेंज हो गई। अब मैं राइट क्लिक करके गेट शेप से आउट होता हूँ और यहाँ पर आकर लॉफ्ट के अंदर शेप में जाऊंगा मैं, शेप के अंदर सब ऑब्जेक्ट लेवल पर, एंड आई कम बैक टू दिस। ये यहाँ पे सर्कल अप्लाई हुआ, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे आगे पीछे, ये देखें लाइक दिस, इट कैन बी मूव्ड एंड डिफॉर्मेशन उसी तरीके से होगी। तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शेप में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, तो मैं इसको अंडरस्टैंड कर, इसको थोड़ा सा इसके साथ अलाइन करने के लिए रोटेशन और सब ऑब्जेक्ट लेवल पर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूँगा लाइक दिस, ताकि मेरी डिफॉर्मेशन सही तरीके से हो जाए, ठीक है। और मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ इस तरह से, और जैसे ही मैंने इसको छोटा किया तो इसकी शेप आप गौर से देखें तो इससे काफ़ी रिजेंबल करने लग गई। अब मुझे ये शेप क्रिएट करनी है प्रॉपरली इसके साथ में, तो उसके लिए मैं जाऊँगा इसके अगेन स्केलिंग में, स्किन पैरामीटर्स स्केल, और आप देखें सेकंड शेप मेरी इस जगह पे क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। मैं इस जगह पर राइट क्लिक करके इसको करूंगा कॉर्नर, और बिकॉज ये बहुत लेंथी है तो आई विल हैव टू रिड्यूस दिस कर्व थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। और इसको मुझे बीसी कॉर्नर करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ लाना है मूव टूल के साथ, ये आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपको तमाम चीज़ें ऐसा ऐसा समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। एंड
इसको मैं कॉर्नर ही कर दूं तो बेहतर है ताकि स्ट्रेट हो जाए। अब बारी है इसकी, तो इसको थोड़ा सा ऐसे किया, शेप में देखते हैं यहां पर, दिस इट शुड बी दिस लाइक दिस, और इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं और थोड़ा सा कर्वी। तो आप गौर से देखिए कि ये थोड़ी सी चीज किस तरह की बन गई। और अब मैं इसको इस ये जो कॉर्नर्स हैं इनको अंदर पेनिट्रेट कर देता हूँ ताकि इसके साथ रिजेंबल कर जाए। सो दिस इज नाउ अ गुड थिंग राइट हियर। ठीक है, अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा इश्यू है वो ये है कि हमारा डोम जो है वो छोटा है और ये बहुत बड़ा लग रहा है। अगर आप इसको देखें एज कंपेयर टू, तो अप्रॉक्सीमेटली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये कितने एरिया पे होना चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करना या इसको कंट्रोल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपने सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले जो हमारा स्टार है इसकी प्रोफाइल को आपने स्केल डाउन करना है इस तरह से, उसके बाद आपने सर्कल को स्केल डाउन करना है लाइक दिस, ठीक है, इस तरह, इसको भी स्केल डाउन करना है, और स्केल डाउन करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर भी करना है इसको इस तरह से, ठीक है। अब जो चीज़ है वो ये है कि हमारी जो लाइन है इसमें, इसके अंदर ये जो लाइन है इट शुड बी शॉर्ट, तो मैं लाइन को सिलेक्ट करके छोटा कर देता हूँ, देखिए, और ये मज़ीद छोटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो शेप है दिस शेप शुड बी रिड्यूस्ड, बहुत छोटी। अब आप मुझे बताएं कि इट्स अपीलिंग, ठीक है, ये देखें एंड ये देखें। अब इसको स्केल डिफॉर्मेशन में जाएंगे हम वंस अगेन, और स्केल में जाके हमने इस शेप के साथ इसको मैच करना है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और इसको हम चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। बड़ा करने के साथ साथ याद रखिएगा कि इसकी शेप ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाती है। ये जो क्रिएट होने के बाद इस सर्कल के बाद यहां पर हमने ये छोटा, ये तो क्रिएट हो गया, अब आगे ये लेंथ ही एक पाइप बना हुआ है लाइक सिलेंडर, ठीक है। इस जगह पर इस सिलेंडर को क्रिएट करने के 1, 2, 3, 3 बड़े स्फेयर्स हैं हमारे पास और 2 छोटे हैं, ठीक है। वो किस तरह से बनेंगे, बहुत ही आसान है, सिलेक्ट स्टैंडर्ड ज्योमेट्री एंड स्फेयर, स्फेयर इसके बिल्कुल ऊपर क्रिएट होना चाहिए, तो ऑटो ग्रिड ऑन करेंगे हम एंड क्रिएटेड द फर्स्ट स्फेयर, और इसको हम यहाँ से व्यू लेवल पे जाके इसको 0-0 करेंगे राइट हियर। ये आपका फर्स्ट स्फेयर क्रिएट हो गया यहाँ पर, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 विद वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, आई प्रेफर 0.8। फ्रंट व्यू पोर्ट में जाके इसकी मैं 2 इंस्टेंसेस बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं बड़े वाले 2 क्रिएट करूंगा। इसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि इसको गोल्ड का शेडर आप कैसे लगाएंगे, 3D स्टूडियो मैक्स का गोल्ड का मटेरियल जो होता है वो कैसे लगेगा इसके ऊपर, और इसी स्फेयर को मैं इस जगह पे रखूंगा, ठीक है, एंड दिस टाइम आई विल टेक द कॉपी क्योंकि मैं इसके पैरामीटर्स को चेंज करूंगा। और आप अगर देखें तो ये थोड़ा सा इस तरह से देख रहे हैं आप, थोड़े से
जेड एक्सिस के ऊपर इनका स्केल जो है वो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ऐसे है। तो आप यहाँ पे स्केल इसका नोट करें 70, देन अगेन दिस वन 70, अगेन दिस वन 70, ठीक है, एंड देन मूव इट इंस्टेंस। ठीक है, कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, टॉप पे सर्कल आ रहा है, सो राइट हेयर 1 2 3 4 5। इंस्टेंस, और इनको अब मैं थोड़ा थोड़ा सा करीब भी कर लेता हूँ अपने साथ साथ। तो ये देखें आप, दिस इज डूम। नेक्स्ट अब हम आएंगे यहाँ पे, एक हमने क्रिसेंट क्रिएट करना है, वो नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए।